ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है रब की, ये रिजा चले, रिजा चले। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आज़माइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। अब से प्री क्वार्टर फाइनल का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले 16 मुकाबलों में हमने 16 टीमें तलाश कर ली और अब उन 16 टीमों के दरमियान होने जा रहे हैं नॉकआउट राउंड, यानी हर मुकाबले में एक टीम ने आगे जाना है और एक टीम हमें छोड़कर चली जाएगी। आज दो टीमें हमारे दरमियान हैं। आप भी दुनिया भर में जहां कहीं हैं, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, इल्म दीन सीखने की नीयत के साथ शुरू से लेकर आखिर तक हमारे प्रोग्राम में शामिल रहें। हो सके तो सवालात और जवाबात लिखते रहें, घर बैठे बहुत सारा इल्म दीन आपके पास जमा हो जाएगा। स्टूडियो में जो हाजरीन हैं वो भी गौर खौस के साथ, तवज्जो के साथ प्रोग्राम में शामिल रहें, इंशाल्लाह बहुत सारा इल्म दीन जान सकेंगे। आइए दोनों टीमों से तारुफ हासिल करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो। जी नाज़रीन, माशाल्लाह मेरी राइट साइड पे एबटाबाद की टीम है और मेरी लेफ्ट साइड पे सरगोदा। ये दोनों टीमें बड़ी कमाल की हैं, जबी तो यहाँ तक पहुंची हैं। एक एक मुकाबला जीत कर प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि प्री क्वार्टर फाइनल से सफर क्वार्टर फाइनल की तरफ होता है या वापसी घर का होता है, आने वाला वक्त बताएगा। दोनों टीमों से उनका तारुफ हासिल करते हैं, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से पहले जो हुआ था ज़हनी आज़माइश का, उसका नतीजा क्या रहा, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। सिलसिला ज़हनी आज़माइश लेकर एक बार फिर हाजिर है। बावजूद मस्जिद जाने की क्या फजीलत है? अल्लाह ताला उसके हर कदम के बदले उसके लिए दरजात बुलंद करेगा और उसकी एक खता को मिटाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पुल से रात आह है तलवार की भी धार से तेज, किस तरह से इसे मैं पार करूंगा यार। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले अपना इस्लाम जाहिर करने वाले खुश नसीब सहाबी कौन है? सबसे पहले जनाब सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला ने अपने ईमान का इजहार किया और लोगों के सामने इसे बयान फरमाया कि जिसकी बिना पर आपको काफ़ी तकलीफ़ें दी गईं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुजरात के 26 हैं, एबटाबाद के 26 हैं, कराची के 23 हैं, दोनों टीमें बराबर हैं और सिर्फ कराची वाले पीछे हैं, मगर इस वक्त मौका है आखिरी सेगमेंट में आगे बढ़ने का। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु तआला अन्हु के लिए सूरज को लौटाया था। गलत। असहाबे बदर की तादाद 113 थी। गलत। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाहु तआला अन्हु का मजार मुबारक कुस्तुनतुनिया में है। सही। हजरत हर इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को अयाम बीज कहते हैं। सही। हजरत असवद का माना सफेद पत्थर है। गलत। अब देखना है कितने सही है, कितने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कमाल कर दिया है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। जी नाज़रीन, आइए अब दोनों टीमों से तारुफ हासिल करते हैं। राइट साइड पे एबटाबाद वाले हैं, अपना नाम बताएंगे और क्या मसरूफियातें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद हमजा नियाज़ अत्तारी व नियाज़ मोहम्मद अत्तारी है। मैं जामियतुल मदीना फैजाने मिलाद कामरा दर्जा 5 में पढ़ता हूँ और इसके साथ साथ मजलिस रूहानी इलाज के तहत बस्ता जिम्मेदार भी हूँ। माशाल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यासिर आदिल अत्तारी मेरा नाम है। मैं लस्सा नवाब डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से बिलोंग करता हूं और दाऊद इस्लामी के मदनी कोर्सेज डिपार्टमेंट में मौलिम हूं। माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और मैं जामियतुल मदीना वाकेंड में पढ़ता हूँ और बेसिक मेरा ताल्लुक मानसेरा से है। माशाल्लाह। एबटाबाद की टीम का तारुफ हो गया, अब आइए सरगोदा की टीम का तारुफ हासिल करते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान तारी है और मैं जामियतुल मदीना फैजान मदीना बखर में 4th ईयर का तालिबे हूँ। माशाल्लाह। अगले भाई।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रमजान सियालवी है और मैं जामियतुल मदीना फैजान मदीना अली टाउन के दर्जा साबे यानी 7th ईयर का तालिबे हूं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अतारी, वालिद का नाम मोहम्मद नवाज अतारी। मैं जामियतुल मदीना चनियोट में दर्जा 3rd ईयर का तालिबे हूँ। माशाल्लाह, सरगोधा की टीम का तारुफ भी हासिल हो गया। आसपास के शहर के लोग भी आते हैं जब हमारा ऑडिशन होता है, तो बाज़ुकात जिस शहर की टीम होती है उस शहर के साथ साथ करीब की सिटीज के तलबा भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोनों टीमों को हमने तारुफ हासिल किया। नाज़रीन आपको ये बताते हैं कि आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं। अगरचे सुन भी ना सके, इल्म नूर है इश्क के बोल, सुनिए मगर ध्यान से, मुकम्मल कीजिए शान नुज़ूल, दुरुस्त कीजिए हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा, और जोश के साथ मगर होश से। जी नाज़रीन, वो सेगमेंट आ चुका है जिसका कई आशिकाने रसूल को इंतजार रहता है। वो सबके जोश में इजाफा करता है, सबके इल्म में इजाफा करता है। तो आज से एक नहीं बल्कि 2 राउंड बजर पर होंगे, एक दुरुस्त कीजिए और दूसरा जोश के साथ मगर होश से। मगर पहले वक्त हुआ है सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारे, क्योंकि इल्म दीन का उसमें बहुत खजाना मिलता है, सेगमेंट का जिसका नाम है इल्म नूर है। एबटाबाद के इस्लामी भाइयों से करेंगे पहला सवाल। दुनिया और आखिरत की मिसाल देते हुए सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला कौन सा शेर पढ़ा करते थे? दिन हुआ चले लो फिर से जहनी आजमाइश का दिन हुआ चले। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दुनिया और आखिरत की मिसाल हुए ये शेर पढ़ा करते थे। बाउ जदीदन मिलन बाकियन अबदन बिदारिसन खलकिन या बिसमत तजरू, यानी उन्होंने खूबसूरत और हमेशा रहने वाली आखरत को पुरानी मिट जाने वाली दुनिया के बदले बेच दिया, उनकी तजारत कितनी बुरी है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी सरगोधा वालों की है। अल्लाह पाक की जानिब से किसी के वालिदैन, बहन भाई, बीवी और औलाद की फौतगी पर सबर करने वाले को क्या अजर दिया जाता है? करीबी साथी, करीबी रिश्तेदार दुनिया से चला जाए और अगर सब्र किया जाए तो क्या कुछ मिलता है? जरा गौर से इस सवाल का जवाब आपने सुनना है। अल्लाह ताला जब उसकी अल्लाह ताला जब किसी बंदे की उसकी महबूब चीज़ ले लेता है तो अल्लाह ताला फरमाता है जब उस पर सब्र करे तो मेरे नज़दीक उसका अजर जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला उसके माँ, बहन, भाई या किसी रिश्तेदार को फौत करता है और वो इसे मोहब्बत करता हो तो अल्लाह ताला फरमाता है और वो उस पर सब्र करे तो उसके लिए मेरे पास जन्नत है। फतुल बारी में हदीस पाक पहले सुन लेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं अपने मोमिन बंदे से उसकी कोई दुनियावी पसंदीदा चीज़ ले लूँ फिर वो सब्र करे तो मेरे पास उसकी, अल्लाह पाक फरमाता है कि जब मैं अपने मोमिन बंदे से उसकी कोई दुनियावी पसंदीदा चीज ले लूं फिर वो सबर करे तो मेरे पास उसकी जजा जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। इस हदीस की शरह में खूबसूरत बात यह बताई गई कि किसी शख्स के माँ बाप, भाई बहन, बीवी और औलाद में से कोई इंसान फौत हो जाए जिससे वो मोहब्बत करता हो और उसके फौत होने पर वो सबर करे तो अल्लाह पाक उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो सबर का फल कहते ना मीठा होता है, सबर का अजर बहुत बड़ा है। यकीनन जब कोई करीबी शख्स दुनिया से जाता है दिल बड़ा गमजदा होता है, मगर काम सबर करना है, इंशाअल्लाह जन्नत हासिल करेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन सा अमल है जो शैतान की कमर तोड़ देता है? ये नूर है, ये नूर। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि शैतान की कमर तोड़ने वाले कलामों में से ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़कर कोई कलाम नहीं, और सवाब में इजाफे करने वाले कलामों में से अल्हम्दुलिल्लाह से बढ़कर कोई कलाम नहीं। क्या बात है, बज़ाहिर तो छोटा सा कलिमा है मगर कितना अजर और कितना जबरदस्त है। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं शैतान की कमर तोड़ने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से बड़ी कोई चीज नहीं और सवाब में इजाफा करने वाले कलामों में अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कोई कलाम नहीं। अल्लाह करे कि रोज कलमाए पाक की और अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करते रहा करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों को दुनिया से किस तरह दूर रखता है? मते रसूल आजमाइशों में घिर गई, मते रसूल आजमाइशों
میں گر گئی سہارا مل کے دے بنے۔ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے کس طرح دور رکھتا ہے۔ مل کے دے بنے کسی کا آسرا چلے۔ سیکنڈز گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دنیا سے دور کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ ادا کرتا ہے۔ نہیں جناب، جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اپنے محبوب بندوں سے ایسے دور فرماتا ہے جیسے بلا تشبیہ بیمار بچے کو اس سے نقصان دہ چیزوں سے ماں دور رکھتی ہے، ماں نقصان والی چیزوں سے بچے کو دور کرتی ہے، ایسے اللہ بندوں سے دنیا کی جو برائیاں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ اس سے اپنے محبوب بندوں کو دور کر دیتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، بتائیے امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو حنیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ شروع سے ہی آپ کو لکھنے کا شوق تھا اور آپ بہت زیادہ لکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کو، کیونکہ اوراق جو ہے حنیفہ کہتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی کنیت جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو شروع سے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس لکھنے والے کو کیوں حنیف کہا جاتا ہے؟ لکھنے والے کو اوراق جو حنیفہ، اوراق کا معنی جو ہے حنیفہ کا معنی اوراق ہے۔ حنیف اوراق کو کہتے ہیں، اس لیے امام اعظم کو چونکہ لکھنے کا بہت شوق تھا اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا، پراپر جواب دیا کریں، جواب آپ کا پھر بھی درست ہے۔ اب باری ہے سرگودا والوں کی۔ اللہ پاک بندے پر کس حالت میں انعام فرماتا ہے؟ سکے مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے، مگر شکر ہے دل میں نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اس حاجت میں ضرور انعام فرماتا ہے کہ جس حاجت میں وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کثرت سے گڑگڑاتا ہے۔ ہائے ہائے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑگڑاتا ہے نہ کسی حاجت پر، تو پھر اللہ کریم اس پر ضرور انعام فرماتا ہے۔ تو اگر کسی مشکل میں ہے نا، پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، اور چاہتے ہیں کہ وہ مشکل دور ہو جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا شروع کر دیں، آنسو بہانا شروع کر دیں، اسے پکارنا شروع کر دیں، اس کی فرما برداری شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ کریم ہے، ضرور کرم ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ناظرین تین تین سوال ہو گئے ہیں، اب دو دو سوال وہ ہیں کہ جو ان کے سلیبس میں نہیں ہیں مگر آپشن ہوں گے۔ سوال یہ ہے، راہ خدا میں سب سے پہلا تیر کس نے چلایا؟ ایبٹ آباد والوں سے سوال ہے، آپشن تین ہیں، حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تین آپشن ہیں، آپ یہاں موجود کسی اسلامی بھائی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، مگر دو سوالوں میں ایک ہی بار آڈینس کی طرف جا سکتے ہیں۔ جی حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص، آپ نے کہا سیدنا سعد بن ابی وقاص، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ صاحب النعل والوسادہ یعنی تکیہ و نالین والے کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت انس، یا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ ان تینوں میں سے کوئی ایک جواب ٹھیک ہے، چاہیں تو آڈینس سے مدد لے سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود، آپ کا کہنا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کمال کی ہستی ہیں، نبی پاک کے نالین اور تکیہ سنبھالنے کی ذمہ داری تھی، جواب درست دے دیا ہے۔ بروز قیامت کس صحابی کو امام العلماء کہا جائے گا؟ حضرت سیدنا معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین؟ ہیلپ لینا چاہیں گے، کس سے ہیلپ لیں گے جناب؟ ساجد بھائی۔ ساجد بھائی کون ہے بھائی، تلاش کرو جلدی سے۔ ساجد بھائی، چلو پکڑو بھائی، مل گئے چلو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رلتن، آپ کا کہنا حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ نہیں، نوٹ، عبد معاذ بن جبل رضی اللہ۔ کیا بات ہے، مدد ان سے لیتے ہیں، جواب آپ دیتے ہیں، پھر غور کر لیں۔ ان کا کہنا عبداللہ ابن مسعود، آپ کا کہنا ہے معاذ بن جبل، یہ کہہ رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل۔ جناب مدد دینے سے انکار کر دیا ہے، مدد والے کی مدد ٹھکرا دی ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے ویسے، لیکن کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی ہاں سیدنا معاذ بن جبل، جواب درست دے دیا ہے۔ سرگودا والوں کی باری ہے، اسلام کا ستون کس شخصیت کو کہا گیا؟ حضرت علی، حضرت سیدنا زبیر بن عوام، یا حضرت امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین؟ ان تینوں میں سے کوئی صحیح جواب ہے۔ اگر آپ کسی سے مدد لیتے ہیں تو اگر آپ اس کو قبول نہ کرنا چاہیں، یہ آپشن آپ کے پاس ہے، لیکن بندہ ایسا ڈھونڈیں جو صحیح جواب دے، اور اگر آپ کو پہلی جواب آتا ہے تو پھر مدد کیوں لیتے ہو بھائی؟
जुबैर बिन अवाम। क्या बात है, इस्लाम का सुतून। आप ये अलकाब तो देखें यार, ईमान ताजा हो जाता है। इस्लाम का सुतून कहा गया हजरत सैयदना जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला ने। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। चले जनाब, यहाँ ये सेगमेंट कम्प्लीट हुआ, अब हाजरीन की बारी है, देखिये कौन सही जवाब देता है। जी आप तैयार है? कौन कौन जवाब देगा? चले जवाब तो इंशाल्लाह एक ही से लेंगे। ये बताइए, इमाम हसन मुस्तफा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मजार मुबारक कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का मजार मुबारक इराक में? जी नहीं। किसका मजार शरीफ पूछा है? इमाम हसन मुस्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु। किसी का आसरा चले, सहारा मिलके दे बने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मजार मुबारक जन्नतुल बकी में। यह आपने कहाँ पढ़ा या कहाँ सुना? सुना हुआ है, कहीं ना कहीं सुना है। बिल्कुल सही सुना हुआ है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। एक बहुत प्यारा रिसाला अरबी के सवालात और अरबी आका के जवाबात, जिसमें है बेहतर कौन और बुरा कौन, दुआ कबूल ना होने के असबाब, सबसे बड़ी अच्छाई। अगर आपको ये सब जानना है तो फौरन ये रिसाला हासिल कीजिए, घर बैठे मकतबतुल मदीना से भी आप हासिल कर सकते हैं। इनका नाम भी पूछें और कहां से आई बताएं। जी मरकज़ुर रौलिया से, मोहम्मद अवैस। माशाल्लाह। चलो यार, जन्नतुल बकी की बात हुई है तो बापू सैयद साहब से गुजारिश है, मदीने का तोहफा भी साथ देना भाई, माशाल्लाह। चले, ये इतना दूर से आए हमारे मेहमान है, माशाल्लाह। चले एक और सवाल करें भाई। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कब हुई? ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रजा अत्तारी है, न्यू कराची से हाजिर हुआ हूँ। आप हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की विसाल की जो तारीख है 18 ज़िलहिज्जतुल हराम। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको भी बड़ी प्यारी किताब माशाल्लाह तोहफे में दी जा रही है, सुभान अल्लाह। चले जनाब, ये सेगमेंट यहाँ तक तो पहुँचा, आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। शुक्र है दिल में नूर, इल्म का बसा चले। जनाब 8 नंबर है सरगोदा, 9 नंबर एबटाबाद के हैं। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल। वालों से करेंगे पहला सवाल। फुरकत में तड़पते हैं जो मिस्कीन बेचारे। फुरकत में तड़पते हैं जो मिस्कीन बेचारे, असबाब अता करके इन्हें दर पे बुला लो। हाय हाय, असबाब अता करके उन्हें दर पे बुला लो। जवाब दुरुस्त दे दिया है, फुरकत में तड़पते हैं जो मिस्कीन जाते हैं जहन्नम को मलाइक। शाफे महशर शेखैन बचा लो। ऐ शाफे महशर पे शेखैन बचा लो। जवाब दुरुस्त दे दिया है, टूट जाए दम मदीने में मेरा या रब बकी।
टूट जाए दम मदीने में मेरा या रब की, काश हो जाए मुयसर सब्ज गुंबद देखकर, काश हो जाए मुयसर सब्ज गुंबद देखकर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब जुदाई की घड़ी आती है तो कोहे अलम, टूट पड़ता है दिलों पर सब्ज गुंबद देखकर, टूट पड़ता है दिलों पर सब्ज गुंबद देखकर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुझे तुम ऐसी दो हिम्मत आका, तू सबको नेकी की दावत आका, मिले वो जज्बा मिले वो हिम्मत नबी रहमत शफी उम्मत। नहीं जनाब, बना दो मुझको एक खसलत नबी रहमत शफी उम्मत। पहले मशवरा कर लें और उसके बाद जवाब दें। गलती हो गई है जनाब। वसीला खुलफाए राशिदी का, तमाम अस्हाब ताबई का, जवार जन्नत में हो इनायत नबी रहमत शफी उम्मत, जवार जन्नत में हो इनायत नबी रहमत शफी उम्मत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। से तामीर मजारे शहे कौनैन, है खाक से तामीर मजारे शहे कौनैन, मामूर इसी सिमत ये किबला है हमारा, इस मामूर इसी खाक से किबला है हमारा, मामूर इसी खाक से किबला है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो वो खाक न पाई, आबाद रजा जिसमें मदीना है हमारा, आबाद रजा जिसपे मदीना है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम खाक उड़ाए लाइन पढ़ूंगा, आपने पहली लाइन पढ़ना है। तड़पना दश्ते तैबा में जिगर अफगार फुरकत का, तड़पना दश्ते तैबा में जिगर अफगार फुरकत का। वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी कीजिए, 3 सेकंड रह गए। आपको पहला मिसरा पढ़ना था। ज़बाने खार किस किस दर्द से उनको सुनाती है, तड़पना दश्ते तैबा में जिगर अफगार फुरकत का। अब सवाल है सरगोधा वालों से। शहे कौसर तरहुम तिश्ना जाता है जियारत का। पहला मिसरा पढ़ना है आपने। सिरहाने उनके बिस्मिल के ये बेताबी का मातम है, शहे कौसर तेरा हम तशना जाता है जियारत का। सिरहाने उनके बिस्मिल के ये बेताबी का मातम है, शहे कौसर तेरा हम तशना जाता है जियारत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब सरगोधा वाले। अब
ऐसा लगता है आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये ज़हनी आजमाइश है, कभी मुकाबला इधर और कभी उधर जाता है, मगर अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की है। देखिए यहाँ कौन तुम्हें शेर सुनाते हैं और इनाम हासिल करते हैं, कुछ मदीने की बातें कर लेते हैं। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, क्या मजे का शेर है। शेर भी मजे का है और बात भी इसमें मजे की है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरकज़ जामिया मदीना दर्जा साबिया। माशाल्लाह, कहाँ, कराची के जी? अच्छा, माशाल्लाह। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की प्यारी सीरत, अरे वाह, बहुत प्यारा रिसाला है, ये तोहफे में दिया, बड़ी खूबसूरत किताब है, जरूर हासिल करनी चाहिए जनाब, और साथ ही इन्हें मदीने शरीफ की खजूरें भी पेश की जाए। अरे वाह भाई वाह। चले जनाब मदीने की बात और कर लेते हैं। उफ बेहयाँ के ये मुंह और तेरे हुजूर, इसी कलाम का शेर है और ऐसा प्यारा शेर है कि जब बंदा रोज़े रसूल पर पहुंच कर ये शेर अर्ज करता है तो उसकी कैफियत ही और होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, उफ बेहयाइयां के ये मुंह और तेरे हुजूर। हाँ तू करीम है, तेरी खूदर गुजर की है। हाँ तू करीम है, तेरी खूदर गुजर की है। खू कहते हैं आदत को। हुजूर मैं तो गुनाहगार हूँ, ये मुंह इस काबिल तो नहीं कि आपके पास लेकर आऊं, मुझे अपनी बेहयाइयां भी याद आ रही हैं, मगर हुजूर आप तो करीम है ना, आपकी आदत तो दर गुजर की है, तो माफ फरमा दें और खैरात अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। चले जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड ने अब क्या पलटा खाया है। रसूल आजमाइशों में घिर गई जनाब, 15 नंबर है अबटाबाद के, 18 नंबर हो गए सरगोधा के, वो टीम जो पहले पीछे थी अब आगे है, मगर जरूरी नहीं फिर भी आगे रहे। अब बारी है अगले सेगमेंट की और जिसका नाम है सुनिए मगर ध्यान से। एबटाबाद वालों की बारी है, आगे आएंगे, गौर से सुनेंगे, कोशिश कीजिए जैसा मैं कहूं वैसा ही दोहराइए। एक लफ्ज आगे पीछे किया एक नंबर कट जाएगा, दो लफ्ज आगे पीछे कर दिए तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। इबारत गौर से सुननी है। हुजूर सैयदुना गौसुल आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फरमान है, मोहब्बत इलाही का तकाजा है कि तू अपनी निगाहों को अल्लाह पाक की रहमत की तरफ लगा दे। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फरमान है कि मोहब्बत इलाही का तकाजा है कि तू अपनी नज़रों को उसकी रहमत की, तू अपनी नज़रों को रहमत की तरफ लगा दे। मोहब्बत इलाही का तकाजा है कि तू अपनी निगाहों को अल्लाह पाक की रहमत की तरफ लगा दे। गलती हो गई है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। सगोदा वालों की बारी है, कोशिश करें गौर से सुने, एक एक लफ्ज वैसे ही रिपीट करना है जैसे मैंने कहना है। बफू माशाल्लाह आप ठीक बता देते हैं, मगर यहाँ मुकाबला कुछ और है। ईच एंड एवरी वर्ड बिल्कुल वैसे ही मिन्नो अन आपने रिपीट करना है। इंसान को तमाम उलूम का जानना जरूरी नहीं, सिर्फ इतना इल्म हासिल करना लाजमी है जिसे शरीयत मुताहरा ने जरूरी करार दिया है। इंसान को तमाम उलूम का जानना जरूरी नहीं, इतना उलूम जानना जरूरी है जिसको शरीयत मुताहरा ने लाजिम किया है। सिर्फ इतना इल्म हासिल करना लाजमी है जिसे शरीयत मुताहरा ने जरूरी करार दिया है। गलती हो गई है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब बारी फिर जनाब एबटाबाद वालों की है, आइए और गौर से मेरा जुमला सुनिए। लिबासे औलिया को दुनिया कमाने का जरिया बनाने वाला अपने लिए आफत मोल लेता है। लिबासे औलिया को दुनिया के लिए दुनिया के लिए कमाने का जरिया बनाने वाला आफत मोल लेता है।
लिबास औलिया को दुनिया कमाने का जरिया बनाने वाला अपने लिए आफत मोल लेता है। आपको कोई नंबर हम नहीं दे सकेंगे। फिर बारी सरगोदा वालों की है। अरे भाई कोई तो नंबर ले जाओ यार, पूरा जुमला फरमाइए और पूरे दो नंबर ले जाइए जनाब। हो सकता है नादरी सोचते होंगे यार एक लाइन है पूरी, बोल क्यों नहीं सकते। तो चले आप बोल के दिखा दीजिएगा, जब मैं कहता हूं तो आप खुद ही अपने आप में रिपीट करें, चेक करें कि आप इतनी जल्दी एक पूरी लाइन याद भी कर पाते हैं कि नहीं। दिल की सफाई और फिक्र की रोशनाई के लिए जिक्र नागुजीर यानी जरूरी है। दिल की सफाई और रोशनी की फिक्र के लिए और फिक्र की रोशनी के लिए दिल को साफ करना नागुजीर यानी जरूरी है। दिल की सफाई और फिक्र की रोशनाई के लिए जिक्र करना जिक्र नागुजीर यानी जरूरी है। गलती हो गई है जनाब। अब आखिरी बारी है। अब तक कोई टीम एक नंबर भी हासिल नहीं कर सकी है। हमारी मजलिस ने भी लगता है छांट के बड़े मुश्किल अल्फाज दे दिए हैं जो कोई नहीं दोहरा पा रहा। एबटाबाद वालों की बारी है और अब आपकी आपको शेर रिपीट करना है। जो औरों के उलू की इंतहा है वो सरकारी उलू की इब्तिदा है। जो औरों के उलू की इंतहा है वो सरकार के उलू की इब्तिदा है। वो सरकारी की इब्तिदा है सरकार के उलू की इब्तिदा है। वो सरकारी उलू की इब्तिदा है। एक लफ्ज की आपने गलती की है इसलिए आपको एक नंबर दे रहे हैं। चले भाई को एक नंबर तो लिया किसी ने, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, वरना मेरा ये सेगमेंट विदाउट नंबर ही निकल जाता। चलो भाई आ जाओ सरगोदा वालों, आपने भी शेर सुनाना है और कैमरे की तरफ रुक करके सुनाना है। जो हक चाहता है ये वो चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वो हक चाहता है। जो हक चाहता है ये वो चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वो हक चाहता है। वो हक चाहता है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पूरे दो नंबर हासिल कर लिए जनाब सरगोदा वालों ने। ये सेगमेंट बड़ा मुश्किल रहा दोनों टीमों के लिए, लेकिन जनाब फिर भी सरगोदा वालों ने दो नंबर लिए और गालिबन एबटाबाद वाले सिर्फ एक नंबर ले सके। अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 16 नंबर है एबटाबाद के, 20 नंबर है सरगोदा वालों के। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। दोनों टीमों से कुछ अल्फाज मुकम्मल करवाए जाएंगे। इसमें मौका है दोनों टीमों के पास, पूरे पूरे 5 नंबर भी हासिल किए जा सकते हैं, मगर देखते हैं कि कितना जल्दी मुकम्मल करते हैं। बारी एबटाबाद वालों की है, दिखाइए कौन सा लफ्ज है जो मुकम्मल करना है। दुनिया भर के नाजरीन, यहां मौजूद हाजरीन, आप भी घर बैठे इसको मुकम्मल कीजिए, अपनी जहानत का इम्तिहान भी लीजिए। जल्दी करें, सेकंड खत्म हो रहे हैं। या है जी, इसमें या है, क्या आ गया जनाब। सेकंड्स खत्म होने से पहले कोई लफ्ज कहना है। अलिफ है जी, एक से जायद अलिफ हैं। अब तक गलती नहीं की है नाजरीन, सेकंड्स भी गुजरते जा रहे हैं। नून है, नून इसमें नहीं है। अगरचे देख ना सके, अगरचे सुन भी ना सके, अगरचे देख ना सके, अगर जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। मीम है, इसमें मीम भी नहीं है। दो गलतियां हो गई हैं जनाब।
बसा चले सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं बा है इसमें अब सही पहुंचे हैं एक नहीं बल्कि दो दो बा हैं लो सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू हुआ क्या इसमें दाल है जी दाल भी है फिर से ये क्या इसमें फा है फा भी है बाबा फरीद बाबा फरीद जवाब दुरुस्त दे दिया है दो गलतियां की तो तीन नंबर हासिल कर लिए जनाब अब बारी सरगोधा वालों की है जनाब लफ्ज मुकम्मल कीजिए क्या इसमें अलिफ है जी अलिफ है क्या इसमें या है जी या भी है शायद एक से ज्यादा या है जी जल्दी करें क्या इसमें वाव है जी वाव भी है क्या इसमें सीन है सीन भी है सुभान अल्लाह क्या इसमें फा है फा भी है क्या इसमें सा है सा भी है रा है रा भी है सुफियान सॉरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कोई गलती नहीं की पांच नंबर हासिल कर लिए हैं अच्छा अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अब हम तीसरा सवाल करेंगे सरगोधा से और फिर चौथा सवाल करेंगे बटाबाद से दूसरा अब भी आपसे सवाल होगा जरा आप बताइए अल्फाज मुकम्मल कर रहे क्या इसमें अलिफ है जी अलिफ है वाव है इसमें वाव भी है सुनो ये इल्म नूर है ये नूर है ये नूर है सुनो ये इल्म नूर क्या इसमें नून है नून भी है कमाल है जनाब क्या इसमें रा है रा भी है चे है चे भी है हा है हा भी है रा एक और लगा रा रा भी आ गया जनाब हा एक और लगा चलें भाई हाँ एक और लगा क्या बात नूर वाला चेहरा नूर वाला चेहरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त पांच के पांच नंबर हासिल कर लिए हैं ये कौन सा फार्मूला है आपके पास जनाब पहले से ही सवाल लीक तो नहीं हो गए आप कैसे पहुंच रहे हैं जरा बताएं तो सही हमारे नाजरीन को अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की आपने तैयारी की है क्या अल्फाज तोड़ तोड़ के इसकी तैयारियां की हैं आपने जी चले जनाब अब इनके लिए कोई और मुश्किल सेगमेंट लाना पड़ेगा एबटाबाद वालों की बारी है अब दिखाइए जनाब जल्दी करें सेकंड खत्म हो रहे हैं या है इसमें जी या है जी जल्दी करें अलिफ है इसमें जनाब अलिफ भी है और अलिफ एक से ज्यादा है
जो कल को हसरत में कहा चले ये रास्ता है। जल्दी कीजिए, इसमें नून है। बताइए क्या इसमें नून है? नून नहीं है। इसमें बा है? जी बा मौजूद है। लाम? जी लाम भी है। खौफ? खौफ भी है। गाफ? गाफ भी है। हा? हा भी है। रा? रा एक से जायद हैं। रा? अच्छा रा एक ही है तो एक लगा दे भाई, जितने इतने लगा दो भाई। वाओ? वाओ भी है। अब नाम लेना चाहे तो नाम भी ले सकते। अबलग घोड़े सवार? अबलग घोड़े सवार कमाल का रिसाला है। जवाब दुरुस्त दिया, एक गलती की है, इसलिए चार नंबर हासिल कर लिए हैं। जनाब एबटाबाद वाले भी पीछे नहीं हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुकाबले में वापस आए। एक सवाल हाजरीन से भी कीजिए। शफीक भाई देखें कौन आज हमारे साथ मौजूद है। इस्लामी भाई बड़ी सर्दी की रात आए हैं तो कोई तोहफा मजीद दे देंगे। माशाल्लाह। सवाल यह है कि अरबी एक लफ्ज है अलफील, उसका मायना क्या है? अलफील? जी मेरा नाम मोहम्मद इश्ताक तारी, जातरा जबी कश्मीर से हूँ। ये कफन में जो कपड़ा अल्फी? नहीं नहीं, अलफील के मायने की? अलफील ये तो कुरान पाक की सूरत भी है ना, सूरह फील। और आसान कर दिया मैंने। चले दूसरे भाई से पूछें। ये तो वैसे अगला सवाल था। चले अच्छा चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद नुमान अत्तारी हरिपुर से। जी हाथी। इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बावाज़े बुलंद क्या कहेंगे? और जोर से बावाज़े बुलंद क्या कहेंगे? माशाल्लाह। इनको एक बड़ी प्यारी किताब जल्दबाजी के नुकसानात ये तोहफे में दी जा रही। बाकी बड़ी प्यारी किताब है और मैंने इस किताब से कई बयानात भी करने की सआदत हासिल की है। बड़ा यूनिक टॉपिक है, पढ़ना चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाज़रीन आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 23 नंबर है एबटाबाद के, 30 नंबर है सरगोधा वालों के। बड़ो बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट जिसमें हमें कुरान पाक की आयात के बारे में शानदार मालूमात मिलती है। सेगमेंट का नाम है शान नुज़ूल। ये सेगमेंट भी हमें मशवरा मिला था हमारे नाजरीन की तरफ से कि कुरान पाक की कुछ ऐसी आयतों का जिक्र किया जाए और इनसे पूछा जाए कि बताएं ये आयतें कैसे नाजिल हुई, इसका पस मंज़र क्या है, शान नुज़ूल क्या है। तो इस सेगमेंट को यूँ समझिए कि हमारे हाजरीन और नाजरीन की राय की वजह से शामिल किया गया है और आप इंशाल्लाह इसमें बहुत खूबसूरत आयत के बारे में जानेंगे, बहुत सारी बातें नई सीखेंगे। तवज्जो के साथ नूर कुरान को हासिल करने के लिए सेगमेंट में आप शामिल रहेंगे। एबटाबाद वालों सवाल है, ला तुहर्रिमु तय्यिबात, इस आयत का तर्जमा भी सुनाएं और इस आयत का शाने नुजूल भी बयान करें। नूर का है दर खुदा चले ना देर कर ये देख। इसका तर्जमा यह है कि तुम पाकीज़ा चीज़ों को हराम ना ठहराओ। ठीक है। इसका शाने नुजूल यह है कि एक मरतबा सहाबा किराम ने नबी अलैहिस्सलाम का वाइस सुनकर हजरत सैयदना उस्मान बिन माजून के यहाँ जमा हुए और तर्क दुनिया का ऐद किया कि आइंदा वो कभी सारी आइंदा वो टाट का लिबास पहनेंगे, सारी रात इबादत में गुजारेंगे, दिन को रोज़ा रखेंगे और खुशबू नहीं लगाएंगे और औरतों के पास नहीं जाएंगे। तो इस पर यह आयत नाज़िल हुई और उनको उस काम से रोक दिया। साबी का नाम क्या था जिनके घर पे जमा हुए? उस्मान माज़ून। उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बाकी तो आपने खैर जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो ये
گویا قرآن پاک کا حکم آیا کہ جو چیزیں پاکیزہ ہیں ان کو حرام نہ ٹھہراؤ، تو اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، وہ ہم نے سنا، جواب درست دے دیا ہے۔ سرگودا والوں کی باری ہے، اور جناب ان کے لیے جو آیت ہے وہ آیت کون سی ہے؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ، اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس کی شان نزول بھی بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ، اور فرمایا کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آیت میراث میں جب یہ والا حصہ نازل ہوا للذکر مثل حظ الانثیین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو ہے وہ للذکر یعنی مردوں کے لیے مثل حظ الانثیین عورتوں کے جو حصے کے برابر ہوگا، مطلب یہ ہے کہ جب اس آیت میراث کے اندر جب یہ بتایا گیا کہ جو میت کا ترکہ ہوگا اس کے اندر مردوں کے لیے جو ہے وہ عورتوں سے جو ہے وہ دگنا ملے گا، اور عورتوں کو جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں جو ہے وہ آدھا ملے گا، تو پھر جو مرد تھے انہوں نے جو ہے وہ اس امید پر کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں آخر میں جو نیکیوں کا ثواب ہوگا وہ عورتوں کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ اب جو عورتیں تھیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں جو ہے وہ آخرت میں جو گناہ کا عذاب ہوگا وہ مردوں کے مقابلے میں آدھا ملے گا۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی ہے وہ عین حکمت ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس کے قضاء پر راضی رہے۔ کیا بات ہے، جو رب کے فیصلے ہیں اس پر راضی رہے، کیا شاندار تفصیل ہے اس کی جو شان نزول میں پتا چلا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب آیت میں نے پوری نہیں پڑھنی ہے، آیت بھی آپ نے پوری کرنی ہے، ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے، اور شان نزول بیان کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ پوری آیت کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون لمن یشاء و من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جی، اب ترجمہ کریں۔ آیت تو پڑھ لی ہے، اب ترجمہ اور تفسیر۔ بے شک اللہ عزوجل مغفرت نہیں کرتا اس کی جو اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کرے، اور جو اس کے علاوہ کرے تو اللہ عزوجل چاہے تو اسے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کرے پس وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا شان نزول۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا عربی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں ایمان لائے ہوں میں نے اس کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور میں یہ گمان کرتا ہوں میں اس سے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا شاندار یہ سب آیت بھی ہے اور اس کا شان نزول ہے کہ ایک بوڑھا عرابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اس کے سوا جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی تک آج تک میں نے شرک نہیں کیا، اور اس کے سوا کسی کو کارساز حقیقی نہیں بنایا، اور جرت و دلیری کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ عز و جل سے بھاگ سکتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اللہ عز و جل کے ہاں میرا کیا حال ہوگا؟ اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے جتنے گناہ چاہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو شرک کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ، یہ بھی پتا چلا، اور رب کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جواب درست دے دیا ہے۔ اسی طرح اب سرگودا والوں کی باری ہے، آیت بھی کمپلیٹ کریں گے اور ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب شان نزول بیان کر دیں۔ اس شان نزول کے مختلف روایت ہیں، جن میں سے ایک حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ آپ نے نبی سے آگے نہ بڑھو، اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس
आयत का शान नज़ूल जो कुछ भी हो, मगर ये हुक्म सब के लिए आम है कि हजूर अलैहिस्सलाम से किसी बात में या किसी काम में आगे होना मना है। अगर हजूर अलैहिस्सलाम के हमरा चल रहे हों तो आगे चलना मना, मगर खादिम की हैसियत से या मगर किसी ज़रूरत से इजाज़त लेकर। और अगर साथ खाना हो तो पहले खाना शुरू कर देना नाजायज़। और अगर अपनी राय और अपनी अकल को हजूर की राय से मुकदम करना हराम है। सुभानअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आयतें भी सुन रहे हैं, शान नुज़ूल भी सुन रहे हैं और नबी पाक की शान भी सुन रहे हैं। क्या बात है कुरान मजीद फुरकान हमीद की। नाज़रीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। ये उम्मत रसूल आजमाइशों में घिर गई। जनाब 27 सितंबर है अबटाबाद के, 34 सितंबर है सरगोधा के। वक्त हुआ है नाजरीन एक ऐसे सेगमेंट का जो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में लोग पूछते भी थे कि वो सेगमेंट कब आएगा। अब हम आपको इंशाल्लाह मुख्तलिफ जबानों में मदनी फूल भी देंगे, मुख्तलिफ जबानों में नात भी पढ़ेंगे और मुख्तलिफ जबानों में रहने वाले लोगों का रहन सहन भी वीडियो की सूरत में दिखाएंगे। आज हमारे ब्रादर मुल्क मुसलमान मुल्क बांग्लादेश की बात करेंगे। इससे पहले कि बांग्लादेश के बारे में कुछ आपको वीडियो के जरिए मालूमात दें, आइए बंगला जबान में पहले कुछ सुन्नतें और आदाब सुनेंगे और उसके बाद बंगला जबान में नाज शरीफ भी सुनेंगे। दुरूद पाक पढ़ लें। शुरू करते सेगमेंट उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। शुगंधी बेबो हरेर सुन्नतो आदोब। प्रियो इस्लामी भायरा और मदनी चैनल दोषों के श्रोता, आज के अनुष्ठान उम्मत के रंग जहनी आजमाइश के संग अमादेर प्रियो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमेर ओय शकोल उम्मत जारा पृथ्वीर विभिन्नो स्थाने बोशोबाश कोचे जारा बांग्ला वाशाई कोथा बोले ओ भोजे तादेर मोनो तोष्टेर नियोते बंगलाई ओथा बोशार मदनी फूल अपोस्तपोन करोर चेष्टा कोरबो एर मोदे कोनो भूल त्रुटि होले खुमार दृष्टिते देखबेन सुगंधी हुजूर अलैहिस्सलाम एर खोबे पुशोंदो चिल्लो अजिन्नो तिनी शुरबोदा सुगंधी मोए थाकतेन प्रियो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्नोतो मानेर सुगंधी पोछोंदो कोरतेन एबों दुर्गंधो मोए जिनिस तिनी ओपोछोंदो कोरतेन तिनी शोरबोदा उन्नोतो खुशबू बेबोहार कोरतेन एबोंग ओप्रकियो उत्साओ ब्रोदेन कोरतेन प्रियो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एर एमोन ओवाश चिलो जे तिनी चोल एबोंग थादी मुबारक के मुश्किए अम्बोर अब मोर बोबोहार कोरतेन बेबोहार कोरतेन शमाइले तिरमिजी ते बोर्नितो रोयचे जे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु तआला नो थे के बोरनी तो प्रियो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद कोरें जे तिन जे तिनती बोस्तो एमोन रोएचे जा कोखोनो फिरिये दीते नय नंबर एक बालिश दोए सुगंधी तीन दूध मदनी चैनलेर दुर्शोक श्रोता सुगंधी बालिश दूध दारा उद्देश्य होश्चे शोल्पो मूलेर जेकोनो जिनेश हदिया कबूल करो प्रोशंजे मोहिद्दिसी मोहिद्दिस जॉन रहमतुल्लाही ताला ले बोरनो ना कोरेंजे शादोरो नो तो अधोरनो अधोरोनेर जिनिश तेमोन बिये बोहोल होएना आर स्पोष्टो जे कोम दामी जिनिश कोरे कोरा उपहार दातार जुन्नो तेमोन कोष्टो कोर ओना काजे ग्रोहिता जोदी ता ग्रोहोन न कोरते ताहोले दातार मोनखुन्नो होवार प्रबोल शोम वोबोना रोयचे और जेहेतो अमादेर प्रियो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कारो मोने कोस्तो दिया पोसोंदो कोरते ना एकोरने हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम शोगोंदी फिरिये दिते ना अमादेर उचित जोदी अमादेर क्यों शुगंधी बा अधोरनेर कीचो उपहार हिशेबे प्रदान कोरे तोबे सुन्नत हिशेबे ग्रहण कोरे नाए प्रोशरा अमोन शुगंधी बबोहार कोरबे जाते खुशबू चारोबे ठीक तोबे रोंग इत्तादे प्रकाश पाबे ना महिलारा अमोन शुगंधी बबोहार कोरते पारबे ना जेदा प्रोप्रोशेर नाके गिये पोछाबे जोदी महिलारा गोरेर मध्य सुगंधी बबोहार कोरे जे केवल शामी शांतोन किंग बा माबा शांतोन किंग बा माबा शांतोन किंग बा मा बाबा प्रोजोनते शिमा बोधो थाके
ताहोले तादेर जुन्नो अबाबे शुगोंदी बेबो हारेर अनुमोती रोयचे। इस्लामी बोनेरा एमोन शुगोंदी बाबोहार कोरबे ना जाए, शुगोंदी पोरपोरशेर नाक पोरजोंतो पोईचे जाए। अल्लाह पाक अमादेर के अशोकोर सुन्नतेर और आदाबेर पर अमल करार तौफीक दान कोरोन। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंगला जबान में खुशबू लगाने की सुन्नत और आदाब हमने सुनी, अब बंगाली जबान में, बंगला जबान में बड़ी प्यारी नात नबी पाक की बारगाह में हाजरी मदीना की इल्तिजा है, दीदार मुस्तफ़ा की इल्तिजा है। प्यारे आका की नात किसी भी जबान में हो, आशिकान रसूल के दिल की आवाज़ होती है। तो आइए मिलकर इंशाअल्लाह नात शरीफ में शामिल हो जाते हैं। सल्लु अलल हबीब। Allah.
आमीन आमीन। बड़ी प्यारी दुआएं हैं, अल्लाह हम सबको नबी पाक का दीदार भी अता फरमाए और हाजरी मदीना भी नसीब फरमाए। जी नाज़रीन, ये सेगमेंट भी ख़त्म हुआ, एक और सेगमेंट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नातखानी भी करेंगे और नेक अमाल का जायजा भी लेंगे। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 27 नंबर है एबटाबाद, 34 नंबर है सरगोदा, 7 नंबर का फर्क है नाज़रीन। बड़ा खूबसूरत सेगमेंट, बजर राउंड है नाम है सेगमेंट का, दुरुस्त कीजिए। बैल पहले बजाएंगे एबटाबाद वाले, चेक कर लें जी। अब सरगोदा वाले याद रहे, अगर दोनों टीमों ने बैल साथ बजाई, जिसकी थोड़ी सी भी पहले बैल बजेगी सिर्फ उसी की बजेगी, दूसरे की नहीं बजेगी। कंप्यूटराइज सिस्टम है तो परेशान मत होइएगा कि हमारी बैल क्यों नहीं बज रही, सामने वालों ने पहले बजा दी होगी। एक वर्ड दिखाया जाएगा, गौर से देखेंगे, कोई भी टीम बैल बजा देगी वो वर्ड स्क्रीन से गायब हो जाएगा। अब आपने सही जवाब दिया तो 2 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं मिलेंगे। मौका अच्छा है एबटाबाद वालों के लिए, जो पीछे हैं वो आगे आ सकते हैं। 4 वर्ड्स होंगे यानी 8 नंबर इस राउंड में हासिल किए जा सकते हैं। पहला लफ्ज देखते हैं, गौर से देखिएगा। जो बैल बजाएगा उसको 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं आता तो बैल मत बजाइएगा। सही नंबर ले सकते हैं अगर जवाब सही आता है तो। जी टाइम, अच्छा सेकंड्स तो खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं एक इशारा दे देता हूं, शायद आप पहुंच जाएं। मैं चाहता हूं कोई टीम तो एक नंबर ले जाए। इस नाम में बिन साथ आता है बीच में, यानी किसी बुजुर्ग का नाम है जिनके वालिद का नाम भी इसी नाम में शामिल है, बिन के साथ। बैल बजाई है जनाब एबटाबाद वालों ने। जी अब नाम लीजिए। मोहम्मद बिन हुसैन। अल्लाह, मोहम्मद बिन हुसैन में हा जरूरी है, इसमें एक ही हा था, करीब पहुंचे थे आप। नाम है मोहम्मद बिन सीरीन। 2 नंबर चले गए हैं, पहले भी मैंने कहा था अगर जवाब आता है तो बैल बजाइए वरना मत बजाइए। अब बारी फिर है दोनों टीमों की, वर्ड दिखाइए। चलो बैल बजाइए सरगोदा वालों ने, क्या ये भी सही जवाब देंगे? जी फैजान रमजान। इनका कहना है फैजान रमजान, क्या ये जवाब ठीक है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल किए सरगोदा वालों ने। अब अगला वर्ड चलेंगे, अगले वर्ड में देखेंगे कौन सी टीम सही जवाब देती है। फिर बैल बजाई सरगोदा वालों ने। बैल पहले बजाते हैं, मशवरा बाद में करते हैं। फैजाने ज़कात, क्या ये फैजाने ज़कात है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, क्या बात है सरगोदा वालों की। अगला फिर जनाब वर्ड कौन सा है? काफी बड़ा वर्ड है, इसको डार्क कीजिए। फिर बैल बजाई सरगोदा वालों ने, कमाल है जनाब, क्या सही जवाब देंगे या 2 नंबर माइनस करवाएंगे? अब्दुल्ला बिन मसूद, क्या ये जवाब ठीक है जनाब? अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला नो, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल, सरगोदा वाले वाकई तैयारी करके आए हैं। याद रहे नाजरीन,
दो साल पहले सरगोधा की टीम जहनी आजमाइश का फाइनल जीत चुकी है। इस बार सरगोधा में सेमीफाइनल भी होने जा रहा है। क्या सरगोधा की टीम अपने शहर में होने वाले सेमीफाइनल तक पहुंचेगी या रास्ते में इसका सफर तमाम हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आइए नाजरीन चलते हैं, अब वक्त हुआ है, हम इंशाल्लाह नातखानी भी करेंगे, नेक अमाल का जायजा भी लेंगे और फिर जब वापस आएंगे तो आपको स्कोरबोर्ड भी दिखाएंगे। नेक अमाल का जायजा करने के लिए अपनी अपनी एप्लीकेशंस निकाल लें, अपने अपने रसाइल भी निकाल लें, दोनों टीम में आगे आ जाएं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नियतें की, पांचों नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़िया सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से तीन आयात या सिरातुल जिनान से दो सफहात माँ तर्जुमा और तफसीर पढ़िया सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरू शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अजानो इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायजा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ाया पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, जोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक व चाश आपने पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिजी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताई दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौकदर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, जबान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक मस्खरी तंज दिल आजारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांदा माँ बाप का अदब किया। अल्लाह अज़्ज़वजल हम सबको नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाजरीन वक्त हुआ है, अब इंशाल्लाह नाज शरीफ में शामिल हो जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله قصرتنا تک تک کس کی رسائی جاتے ہیں آتے सल्लल्लाहु
وسلم عليك يا حبيب الله. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا Oh,
अब अमल पूछते हैं भाई निकम्मा तेरा एक मैं क्या मेरे रे इसिया माशाल्लाह। आइए नाज़रीन कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अब्दुलहबीब भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो इतना जबरदस्त इल्मे दीन से भरपूर सिलसिला करने का। अल्लाह तबारक व तआला खूब खूब इसकी आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए और ऐ काश कि ये सदाबहार सिलसिला यूं ही चलता रहे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपकी दुआओं की हमें बहुत हाजत है। एक और कॉल। खालिद महमूद अतारी पंजाब के शहर कसूर से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश बहुत ही इल्म-ए-दीन सीखने और सिखाने वाला प्रोग्राम है।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक सेगमेंट हमें नाज़रीन की हम राय लिया करते हैं, आपके मशवरे मिलते हैं, हम आपके मशवरों पर फिर मदनी मशवरे करते हैं और कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं। आज से आपकी दिलजोई के लिए भी और इंशाल्लाह इल्मे दीन हासिल करने की नीयत से, अल्लाह के वली की ज़ियारत की नीयत से एक नया सेगमेंट शामिल कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत का एक खूबसूरत मदनी गुलदस्ता, एक वीडियो क्लिप हम देखा करेंगे और यहाँ मौजूद हाज़रीन उसका जवाब देंगे। हो सकता है आप भी तोहफा जीत जाएँ, तो दुनिया भर में नाज़रीन भी, मौजूद हाज़रीन भी, बड़ी तवज्जो के साथ आइए देखिए मदनी गुलदस्ता। बच्चों के अगवा की वारदातें ये बढ़ रही हैं और इसमें खौफनाक इजाफा हो रहा है। ये जो किडनैपिंग है ये भी एक इंटरनेशनल माफिया का काम है, इसमें पैसे लिए भी जाते हैं और फिर बच्चों के साथ भी बदसलूकी भी की जाती है। फिर इनके कुछ बासत ऑर्गन जो इनके बॉडीज होती हैं इनके हिस्से भी काटे जाते हैं, कुछ गुर्दे निकाल लिए जाते हैं, पता नहीं तरह तरह की बच्चों के साथ माज़ अल्लाह अज़ियतों का मामला भी रहता है। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। वाकई ये हालात तो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं न, इसमें अब तो ना गरीब का बच्चा ना अमीर का बच्चा को सब गैर महफूज है ना, कि आप फरमा रहे बॉडी पार्ट्स भी बिक जाते हैं, देखते हैं लोग तो वास्तफ़िरुल्लाह, तो है बड़ी तशवीश की बात। हम भी अपने बच्चे को छोड़ते नहीं है, मतलब अपने उसमें रखते हैं समझो हिसार में, इधर उधर जाना नहीं है ना किसी के साथ जाना है, क्योंकि हमने अपने बचपन में ये तजर्बा है। मुझे मेरी माँ मुझे समझाती थी बेटा को सोने का ढेर भी दिखाए ना, सोन जो डिग्लो भी करे ना तना ही बिन्नू कोई बटे किसी के पास नहीं जाना, बल्कि सबसे महफूज तो ये कि बच्चे को तनहा ना छोड़े। अच्छा बाकी अब रहा ये कि जो लोग ऐसा करते हैं, मैं नहीं समझता कि उनको इतनी समझना पड़ती हो कि हम ये गलत कर रहे हैं। इस तरह की वारदातें करनी होती होगी ना तो इंतजामिया को, इंतजामिया के बाद राशि जो है जो पहले से पता होता होगा कि ये होने वाला है और ये हट जाते होंगे वहां से, तो सबके हिस्से। लेकिन सब ये नहीं समझते कि हम हिस्से जो मिल रहे हैं ये बाजार तो वो नोट हैं, लेकिन हकीकत में ये आग अंगारे जो अभी अंगारे के रूप में नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। इनकी सोर्स से होती है तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन शेर पर सवा से रहता है, हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, निज़ाम तब्दील हो जाते हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि भाई फुला सियासी पार्टी के मातहत अगर कर रहे हैं दूसरी सियासी पार्टी उन पर हावी हो जाएगी तो इनका बेड़ा गर्क कर देगी। तो इस तरह दुनिया में भी इस तरह के लोग बाद कुत्ते की मौत, खिंजीर की मौत मारे जाते होंगे और कब्र में जो अशर होता होगा अल्लाह बेहतर जाने। तोबा ही में आफियत है, जो मुसलमान है वो मुसलमान के नाते सोचें, बाकी इंसान है तो इंसानियत के नाते सोचे कि यार मेरा बच्चा होता, मेरा भतीजा होता तो मेरे खानदान का फर्द होता और इनके साथ ऐसा ऐसा होता तो क्या गुजरती। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, बस अपने बच्चों की हिफाजत करें। तो सही बात यही है कि हमारे समझाने से वो कौन सा सुन रहे होंगे हमें जो समझ जाएंगे। मिठाई वाला मक्खी से बचाने के लिए मिठाई की हिफाजत करता है, मक्खी को तो क्या करेगा। अब जाहिर है स्कूल कॉलेज जहाँ भी ये जा रहे हैं मदरसों में तो ये कि अकेले ना जाएं, अकेला जाना रिस्की होता है, ये करीब है ना, करीब है तो क्या दरवाजे पर खड़ा हुआ उठा के भाग जाएंगे तो क्या होगा, तो इसलिए वो अकेला आना जाना ना रखे बच्चों का। माशाल्लाह कितनी प्यारी बातें, हिकमत भरी बातें हमें सीखने को मिली। देखते हैं कि हाजरीन ने कितनी तवज्जो से सुना है, तो आइए पहले कुछ सवाल करते हैं, सही जवाब देते जाएं और इनाम लेते जाएं। सवाल ये कि अमीर अहले सुन्नत ने अपनी वालदा मुबारका का जिक्र किया कि मेरी वालदा कुछ समझाती थी, क्या समझाती थी इस मौजू से मुतालिक। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद हमजा फारूक अतारी जी, दर्जा दौरतुल हदीस माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि मेरी वालदा समझाती थी अगर कोई सोने का ढेर भी आगे रख दे ना तो उसकी लालच नहीं करनी, मतलब कि उसकी तरफ नहीं जाना। बच्चों के लिए बड़ा प्यारा मदनी फूल कि कोई सोने का ढेर भी दिखा दे, कुछ भी दिखाए हमने उसकी तरफ नहीं जाना है, अजनबी के पास नहीं जाना है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा सवाल ये कि जो हराम के नोट मिलते हैं यानी जो अगवाकार थे उनके लिए अमीर अहले सुन्नत ने एक जुमला फरमाया कि ये हराम के नोट तो आ जाते हैं मगर ये नोट क्या है, क्या शानदार उसमें भी तरबियत फरमाई आपने। मेरा नाम अबू आदिल मोहम्मद सामल अत्तारी, मरकज़ लाहौर से हाजिर हुआ। जी जी अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि वो आग की माने थे। हाँ ये नोट नहीं है, ये अंगारे हैं, ये आग है, हराम की रोजी कभी भी उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा एक और सवाल कर लेते हैं,
निगरानी शुरू ने मिठाई वाले की बड़ी प्यारी मिसाल दी। मिठाई वाला क्या करता है? चले बच्चों से पूछे, बच्चे मिठाई और बच्चे साथ साथ है ना, बच्चे आगे बैठे हैं। चलो फिर आप बताएं, तोहफे में भी मिठाई पेश कीजिए। अरे वाह, तोहफे में भी मिठाई। चलो जी, क्या फरमाया आपने? मिठाई के बारे में निगरानी शुरू ने कुछ जुमला कहा था या गौर से देखा था? मिठाई वाला वो मिठाई में मक्खी वो बचाने के लिए हिफाजत करता है। हाँ, मिठाई की तरफ मक्खी आती है तो वो मिठाई की हिफाजत करता है, मक्खी का क्या कर सकता है। तो हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। ये तो लोग गलत काम करने वाले करते रहेंगे, अल्लाह पाक उनको अकल दे, लेकिन हमें अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। मीठे मीठे मदनी मुन्ने को क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाल्लाह खजूर मदीना और बगदाद शरीफ की मिठाई। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब नाज़रीन, अब चलते एक बार फिर मुकाबले को अब इख्तिताम की तरफ लिए चलते हैं। सरगोधा या एबटाबाद, आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 27 सितंबर एबटाबाद, 40 सितंबर सरगोधा, बड़ा फर्क हो गया है। मगर हमने बड़े बड़े फर्क खत्म होते देखे हैं जोश के साथ, मगर होश से सेगमेंट में। मगर उस सेगमेंट से पहले बहुत खूबसूरत सेगमेंट, नया सेगमेंट लाए आपके लिए। सरकार अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल की बातें होंगी, मेरे आका के मुबारक सरापे की बातें होंगी, इश्क रसूल में इजाफा करने वाला सेगमेंट। नाम है जिसका हुस्न जमाल मुस्तफा। इसमें हम नबी पाक के मुबारक जिस्मे अकदस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। एबटाबाद वालों सवाल है, हजरत सैयदतुना उम्मे माबद रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्मे अथर की खूबसूरती के मुतालिक क्या इरशाद फरमाती हैं? आप रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम दूर से देखने में दिलकश और जाजब दिखाई देते और जबकि करीब से देखने में हसीन और जमील मालूम होते हैं। क्या बात है मेरे आका की, प्यारे आका को दूर से देखें तब भी दिलकश और जाजिब दिखाई देते, करीब जाकर देखते तो और ज्यादा हसीन दिखाई देते। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम अबू नईम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्मे अथर की तारीफ किन अल्फाज में बयान फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अबू नईम रहमतुल्लाहि फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस हस्ती ऐसी है जो अपने तमाम ज़ाहिरी कमालात और बातिन तरक्कियों में मुकम्मल है, जिनको खालिक अरवाह ने महबूबियत के लिए मुंतखब फरमाया, और आपकी मुकद्दस हस्ती अपनी तमाम ज़ात सिफ़ात में किसी की शिरकत से बालातर है। आपका जवाहिर हुसन किसी में तकसीम शुदा नहीं है। देखिए, हमने आपसे सवाल किया था कि नबी पाक के जिस्मे अथर की तारीफ इमाम अबू नुएम ने किन अल्फाज में फरमाई, उसका जवाब यह है कि इमाम अबू नुएम रहमतुल्लाहि तआला अलैह खसाइस कुबरा में नबी पाक के जिस्मे मुबारक की तारीफ करते हुए फरमाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया कराम बल्कि तमाम मखलूक से ज्यादा हुस्न जमाल दिया गया, मगर नबी पाक को अल्लाह पाक ने ऐसा बेमिसल हुस्न जमाल अता फरमाया जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया। हकीकत यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल का एक हिस्सा दिया गया और आका अलैहिस्सलाम को तमाम हुस्न जमाल यानी हुस्न कुल अता फरमा दिया गया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। इस्लाम के जिसमें अथर की तारीफ आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला ने शायराना अंदाज में किस तरह बयान फरमाई है? वैसे तो आला हजरत ने कई जगह पर नबी पाक की जिसमें अथर की शान बयान की है, मगर जो सिलेबस में है वो सुना दीजिए। अल्लाह की सर तब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये,
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جواب درست دے دیا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم اثر کی خوبصورتی کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر نہایت حسین خوبصورت تھا نہایت حسین اور خوبصورت جسم اقدس تھا جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ حسن و جمال مصطفیٰ سیگمنٹ میں سراپا مصطفیٰ کے بارے میں جانتے رہیں گے اور عشق رسول کو بڑھاتے رہیں گے ناظرین اب چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے سکور بورڈ نے بھی بہت کچھ بتانا ہے اور پھر آپ نے بھی ہمیں کچھ بتانا ہے جی جناب سکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے 31 ایبٹ آباد 42 سرگودا آخری سیگمنٹ ہے جو مقابلے کا فیصلہ کر دے گا مگر اس سے پہلے ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے کیا آپ بتانا پسند کریں گے جی فرمائیے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم نے ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دیکھا اس میں نگران شورا کا بھی دیدار ہوا تو بہت سارے مدنی چہرے پر آپ سلسلے کرتے ہیں لیکن اس سلسلے کے اندر سمجھ لیں کہ مدینے کے چاند لگ جاتے ہیں جس میں آپ اور نگران شورا دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ نگران شورا سے آپ کو بہت گہری محبت ہے نگران شورا کو بھی آپ سے بہت گہری محبت ہے اور آپس میں مطلب مزاح بھی ہوتا ہے اور ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے مسکراہٹیں بھی ہوتی ہیں پوچھنا یہ تھا کہ نگران شورا سے آپ کی دوستی دعوت اسلامی سے پہلے ہوئی یا دعوت اسلامی میں آنے کے بعد ہوئی نگران شورا سے یقیناً تعلق ہمارا دعوت اسلامی کے مطلب میں تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ چکا تھا نگران شورا ان دنوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھے اور نگران شورا ہمارے دوستوں میں سے تھے اور ہم لوگ جس طرح ایک نوجوان ہوتے ہیں آپس میں کھانا پینا گھومنا پھرنا تو جس طرح نگران شورا میں ہم نے تبدیلی دیکھی کیونکہ جب وہ ماحول میں آئے اور ماشاءاللہ جتنی تیزی سے وہ دعوت اسلامی میں ترقیاں کرتے گئے اور دعوت اسلامی کی بڑی بڑی ذمہ داریوں پر وہ مطلب سمجھے کہ پہنچتے گئے تو ہم دو سارے حیران تھے کہ یہ وہی ماڈرن نوجوان ہے کہ جس کی اپنے انداز تھے اپنے اسٹائل تھے اور ماشاءاللہ پھر عشق مرشد میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دعوت اسلامی میں بلکہ دعوت اسلامی والوں کے باہر بھی مجھے لوگ ملے کہ ہمیں بھی اپنے پیر سے محبت ملی ہے تو نگران شورا کے بیانات کی وجہ سے ملی اتنا عشق مرشد ان کے اندر ہے اور پھر انہوں نے سب کو سمجھ لے کہ ایک نیا ویژن دیا تو ہم بعض اوقات جو پرانے دوست ہیں کبھی بیٹھتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں یار کہ لوگ کہتے ہیں امیر علیہ سنت کی کرامت بتاؤ ہمارے سامنے تو حاجی عمران ہی اتنی بڑی کرامت ہے کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے کہ ایسا ماڈرن نوجوان یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ نگران شورا جس زمانے میں ایک فیشنیبل نوجوان تھے تو ان کو دیکھ کر لوگ ان جیسا فیشن کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کو فالو کرتے تھے لوگ ہم دیکھتے تھے ان کو اللہ پاک نے قد بھی دیا ایک انداز تھا ان کا لیکن پھر جب یہ تبدیل ہوئے ماشاءاللہ اور آج بھی ایسا ہو گیا کہ آج ان کو دیکھ کے لوگ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو وہ اصل میں پرانا ایک تعلق ہے پرانا ایک ساتھ ہے تو وہ بڑے ہمارے ظاہر اور نگران بھی ہیں میرے لیکن وہ تھوڑا اسپیس دیتے ہیں تو کبھی کبھی مزاح ہو جاتا ہے لیکن یقیناً ان کا ادب دل میں ہے وہ ہمارے نگران ہیں اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے اللہ ان جیسا عشق مرشد مجھے بھی عطا فرمائے اور جیسا جذبہ ان کے اندر ہے جو ویژن ہے ان کا ہمارے شورا کے بھی نگران ہیں اور ہماری بھی تربیت فرماتے ہیں اللہ ان کو اور ترقی دے اور مرشد کا قرب نصیب فرمائے جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور فائنل سیگمنٹ پہلی بار یہ سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں بہت سو کو انتظار رہتا ہے سیگمنٹ کا نام مل کر لیں گے جوش کے ساتھ پانچ سوال ہوں گے پانچ اشعار ہوں گے آپ نے جو پہلے بیل بجائیں گے اگر بیل سوال سننے سے پہلے بجا دی تو سوال بھی خود ہی کمپلیٹ کرنا ہوگا جواب بھی خود ہی دینا ہوگا غلطی ہوگی تو کوئی نمبر نہیں ملے گا جوش ضرور چاہیے مگر ہوش بھی ساتھ ہونا چاہیے چار سوال ہوں گے چار اشعار ہوں گے اور دو درست کیجئے بھی اس کے اندر مزید شامل کیے گئے ہیں اب چلتے ہیں اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف سوال ہے یاد رہے اگر سوال پورا نہیں سنیں گے بیل بجا دیں گے تو سوال بھی خود ہی پورا کرنا ہوگا سفر حج بیل بجائی ہے ایبٹ آباد والوں نے اب ایبٹ آباد والوں کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا بہت سارے نمبروں کا فرق ہے مگر یاد رہے غلط جواب پر دو نمبر کاٹ لیے جائیں گے سفر حج کے لیے جانے کے لیے جو سامان خریدا جاتا ہے اس میں قیمتیں کم کروانا کیسا اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے سفر حج کے لیے جاتے ہوئے جو شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں سامان خریدتے ہیں ان کا ریٹ ان کا بہاؤ کم نہ کروانا افضل ہے اور مزید کچھ بتائیں گے جی جو حج کے لیے جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس میں سامان خریدتے وقت ریٹ کم نہ کروایا جائے بھاؤ کم نہ کروانا افضل ہے جواب درست دے دیا ہے ایبٹ آباد والوں نے
हासिल किए। अब शेर की बारी है। अभी अभी में ही बेल बज गई है, अब अभी के बाद और क्या है। जी सरगोधा वालों की बेल बजी है। किसकी बजी है भाई? सरगोधा वालों की बजी है। जी जल्दी कीजिए, सेकंड्स खत्म ना हो जाएं। अभी अभी तो चमन में थे चाचे नगा, ये दर्द कैसा उठा जिसने जी निढाल की। ये दर्द कैसा उठा जिसने जी निढाल किया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की, अब सवाल की बारी है। दुआ, अब बेल बजाई है। सिर्फ दुआ लफ्ज सुना है और अहमदाबाद वालों को दुआओं की जरूरत भी बहुत है। दुआ मांगने के दौरान जन्नत का सवाल करना और जहन्नम में ना जाने का, जन्नम की पनाह का सवाल मांगना कैसा। कई हदीस मुबारक में इस तरह के हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि, एक तवील हदीस मुबारक में है कि हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नत का सवाल मांगते थे, जन्नत से पनाह मांगते थे। एक हदीस में है कि हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या अल्लाह अज़्ज़ल, मैं तुझसे जन्नत में दाखिल होने और जहन्नम से पनाह, जन्नम से दूर रहने वाले कामों की दुआ मांगता हूँ, और हमें भी चाहिए कि दूर रहने वाले अमाल से पनाह मांगता हूँ। इजी होके जवाब दे बेटा, अब आपके पास टाइम है जवाब देने का। आपने बेल बजा दी, सवाल का जवाब आसानी से दे ताकि नाज़रीन भी गौर से तो सुने। आप जल्दी क्यों जवाब दे रहे हैं? हमें भी चाहिए कि कम से कम रोजाना दिन में 3 मरतबा अल्लाह अज़्ज़ल से जन्नत का सवाल और जहन्नम से पनाह मांग लिया करें। नबी पाक की हदीस दोबारा सुनाएं। एक तवील अहदीस में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ में अल्लाह अज़्ज़ल से फरमाते कि या अल्लाह अज़्ज़ल, मैं तुझसे जन्नत में दाखिले और जहन्नम से दूर रहने वाले अमाल का सवाल करता हूँ। मैं तुझसे जन्नत में दाखिले और जन्नत के करीब करने वाले अमाल का सवाल करता हूँ, और मैं तुझसे जहन्नम में दाखिले से पना और इसके करीब करने वाले अमाल से दे पना मांगता हूं। जी जवाब आपका दुरुस्त मांग रहे हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जब आप बैल बजा दें और सवाल कर लें और उसके बाद सुकून से जवाब दें, हम ये भी तो चाह रहे हैं ना कि हमारे हाजरीन जो है, नाजरीन जो, उन तक इल्म दीन भी पहुंचे, तो सुकून से जवाब दें। अब तो आपकी बारी आ चुकी है, अब या तो सही देंगे या गलत देंगे, लेकिन सुकून से जवाब दें। सुने जनाब, अब बारी शेर की है। हुजूर पर बैल बजाइए अहमदाबाद वालों ने। अब हुजूर से तो बहुत सारे शेर आते हैं। जी हुजूर। हुजूर उनके ख्याले वतन मिटाना था, हम आप मिट गए अच्छा फराग बाल। आप मिट गए अच्छा फराग बाल किया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अहमदाबाद वालों को लगता है जोश आ गया है, लेकिन अभी मुकाबला बाकी है। हसनी, फिर बैल बजाइए अहमदाबाद वालों ने। सिर्फ हसनी सुना है। हसनी सादात कराम की नस्ल कहाँ से चली? जवाब ये किन से चली? हसनी जवाब यह है कि हसनी सादात कराम की नस्ल हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन के शहजादे, इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह तआला से चली और इनके दीगर शहजादों से। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एबटाबाद 39, सरगोधा 44, अब भी 5 नंबर का फर्क है। अब बारी है शेर की। क्या एबटाबाद वाले, अभी तो शेर सुनाया नहीं, पहले ही बेल बजा दी, अब क्या एबटाबाद वालों से शेर सुनाओ? क्या एबटाबाद वाले आगे बढ़ेंगे या सरगोधा वाले? जनाब अब मैं, अरे भाई शेर तो सुनाने दो पहले यार, अब मैं से सुनाऊ फिर। चलो शेर मैं जो है वो शेर पढ़ूंगा, उसकी दूसरी लाइन मैं पहले पढ़ूंगा, ठीक है? मेरे जनाब, सिर्फ मेरे सुना है और बेल बजा दी है। एबटाबाद वाले क्या ये शेर सुना सकेंगे? सॉरी सरगोधा वाले, कितना खुशी खुशी कह रहे हैं, नहीं नहीं सरगोधा वालों की बेल बजे, उनसे पूछे, हमसे ना पूछे। चले जनाब, अब तो ना रोक ए गनी, आदत सब बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए। मेरे करीम पहले ही लुकमाए तर खिलाए क्यों, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब सरगोधा वालों की। अब फिर सवाल की बारी है। उंगलियों, अब बैल बजाई है एबटाबाद वालों ने। उंगलियों से जिक्र करना अफजल है या फिर तस्बीह से? उंगलियों से जिक्र करना अफजल है या फिर तस्बीह से जिक्र करना अफजल है? जवाब क्या है? यह है कि उंगलियों से जिक्र क्यों करना चाहिए, इसका जवाब यह है कि उंगलियों से जिक्र करने की फजीलत यह है कि जब उंगलियों से जिक्र की जाता है तो ये उंगलियां इंशाल्लाह क़यामत के दिन गवाही देंगी, गवाह बनेंगी।
حدیث میں ہے پوروں پر ذکر الہی کا شمار کرو کہ ان سے سوال ہونا ہے یہ بولیں گی، کیا یہ جواب درست مانا جائے؟ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، جواب درست دے دیا ہے جناب. مقابلہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، ابھی بھی سرگودا والے آگے ہیں. اب باری شیر کی ہے، پھر میں دوسری لائن کو پہلے پڑھوں گا. مال صرف مال پڑا ہے، سرگودا والوں نے بیل بجا دی ہے. سوال میں یہ بیل بجاتے ہیں، شیر میں یہ بیل بجاتے ہیں. جی جلدی کریں. بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ ہمار، مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب دو درست کیجئے ہوں گے. اب سکرین پر کچھ الفاظ دکھائے جائیں گے، جو پہچانے گا پھر بیل بجائیے گا. آئیے دیکھتے ہیں پہلا لفظ جو درست کرنا ہے. پھر بیل بجائیے سرگودا والوں نے. بلال حبشی. کیا یہ سیدنا بلال حبشی کا نام ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب اگلا سوال. پھر بیل بجائی سرگودا والوں نے، بیل توڑنے کی اجازت نہیں ہے، بیل بجانے کی اجازت ہے. صراط الجنان. کیا یہ تفسیر قرآن صراط الجنان کا ورڈ تھا؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. سرگودا والے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. اذکر اللہ، اللہ 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 اللہ. ایبٹ آباد کی ٹیم نے بڑی کوشش کی، لیکن ماشاءاللہ کسی ایک ٹیم نے ہی آگے جانا ہوتا ہے. سرگودا والوں کی تیاری ہمیں نظر آئی، امید ہے کہ آگے بھی مقابلوں میں اچھا پرفارم کریں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش آپس میں ملاقات کریں. جی ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں مقابلہ چلتے چلتے کیسے ختم ہوا، اسکور بورڈ فائنل آپ کو دکھاتے ہیں. پھر سے یہ شروع ہوا، لو پھر سے ذہنی آزما. 41 ایبٹ آباد، 52 سرگودا. سیزن 14 کی پہلی ٹیم جس نے 50 کراس کیا ہے سرگودا والوں نے. دیکھنا یہ ہے آگے کتنی ٹیمیں 50 کے عدد پر پہنچتی ہیں. ناظرین ہر سلسلے میں آپ کو ایک حدیث یاد کرواتے ہیں. آج کون سی حدیث ہے جو آپ نے یاد بھی کرنی ہے، لکھنی بھی ہے، اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ، مولا علی کی شان اس حدیث میں ہے. اس حدیث کو سیو کر لیجئے. اب آپ کو انشاءاللہ بیسٹ پرفارمر آف دی ڈے، ماشاءاللہ سارے ہی بڑے کمال کے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا نام بیٹا رمضان سیالوی کو ماشاءاللہ ہم آج کے سلسلے کا بیسٹ پرفارمر کا اعزاز دے رہے ہیں. بڑی کمال کی ان کی تیاری تھی ماشاءاللہ، خاص طور پہ درست کیجئے میں. اور ہم ایبٹ آباد والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے ماشاءاللہ. ایبٹ آباد والے ادھر آ جائیں، ایک طرف آ جائیں، دونوں ٹیمیں ایک طرف آ جائیں. ماشاءاللہ رمضان بیٹا ادھر آ جائیں. جی جی ماشاءاللہ. جی اب وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان قرآن دازی کرنے کا. بڑے اسلامی بھائیوں کا ٹوکن بھی آ گیا ہے، مدنی منے بھی رات اتنی دیر تک بیٹھے ہیں، ان کا بھی ٹوکن ہے. بچوں کا ہے 3217 اور بڑوں کا ہے 3250. 3217 اور 3250 جن کے پاس ٹوکن ہے آگے آ جائیں، اپنا تحفہ لیں، ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکہ یا رسول.
चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिजा चले। लो आओ देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, लो आओ देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो। अंधेर झट पड़े उठा कदम जरा उठा चले, अंधेर झट पड़े उठा कदम जरा उठा चले। नूर है ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिजा चले, रिजा चले।